बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल व्लॉग्स बाय इरम। और मैं हूँ इरम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा स्किन ग्लोइंग एंड स्किन वाइटनिंग मास्क, फेस पैक भी आप कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके और बहुत इजी इंग्रेडिएंट के साथ भी बनेगा ये। तो मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कौन कौन से इसमें यूज़ होने हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ कहते हैं जिसको, वो यूज़ होगी। और उसके बाद ग्राम फ्लोर मतलब बेसन यूज़ होगा, उसके बाद सैंडलवुड पाउडर यूज़ होगा और सबसे आखिर में रोज़ वाटर यूज़ होगा उसके अंदर। सबसे पहले ये देखें जी, हमारे पास है फुलर्स अर्थ मुल्तानी मिट्टी। सबसे पहले इसके बेनिफिट को देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है ये। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लींजर का काम करती है। ये आपके स्किन टोन को और स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो लेकर आती है। हाँ जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये सैंडलवुड पाउडर है मेरे पास। तो ये है कि सैंडलवुड पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन को सन टैन, जो मतलब सन की वजह से हमारी स्किन पे डैमेज आता है, तो ये सन टैन को इम्प्रूव करता है, उसको रिमूव करता है, ठीक करता है। और उसके अलावा आपकी स्किन को जो है वो पिम्पल्स वगैरह से भी ये बचाता है। उसके अलावा सैंडलवुड पाउडर जो होता है वो आपकी स्किन के लिए एक्सफोलिएटर का काम भी करता है। इसके अलावा ये आपके रिंकल्स और साइंस ऑफ एजिंग जो होते हैं उनको भी रिमूव करता है। थर्डली हम बात कर लेते हैं ग्राम फ्लोर मतलब बेसन की। बेसन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये भी आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। और उसके अलावा ये जो है इसके अंदर जिंक होता है। जिंक क्या करता है आपकी स्किन के लिए, वो आपकी स्किन पर होने वाले जो एक्नी प्रोड्यूस करने वाले इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनके साथ ये फाइट करता है। क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। ये आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट टोनर है रोज़ वाटर। अगर आप कोई भी टोनर यूज़ नहीं कर रहे तो आप रोज़ वाटर को अकेले को यूज़ करें एज अ टोनर, ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और उसके अलावा ये आपकी स्किन के ऊपर से एक्सेसिव ऑयल और डर्ट डस्ट वगैरह को भी रिमूव करता है और आपके क्लॉग्ड जो पोर्स होते हैं उनमें से भी डस्ट को रिमूव करता है। और इसके अलावा आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी ये रिस्टोर करता है। हमने एक इस तरह से खाली बोल ले लेना है सबसे पहले। तो ये देखें जी, मैंने बोल ले लिया है और एक हमें चाहिए होगा, छोटा स्पून चाहिए होगा उसको मिक्सिंग करने के लिए। तो चलें जी, हम अपना मास्क बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा सैंडलवुड पाउडर। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप मेयर करके भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये 1 टीस्पून हो गया हमारे पास सैंडलवुड पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए होगा मुल्तानी मिट्टी मतलब फुलर्स अर्थ, तो 1 टीस्पून ही हमें मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी। ये मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, मुल्तानी मिट्टी ऐड हो गई। और उसके बाद जो है वो आपने क्या ऐड करना है, ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर जो है वो आपने 1/2 टीस्पून ऐड करना है इसके अंदर। ये हो गया जी ग्राम फ्लोर 1/2 टीस्पून। चलें जी, बाकी 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम बारी आ जाती है हमारे पास रोज़ वाटर की। अब हम जो है वो रोज़ वाटर को ऐड करते हैं। इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि ये स्प्रे वाला है, वैसे नहीं डलेगा। तो आप इसको इस तरह से ओपन कर लें, कैप को साइड पे रखते हैं और उसके बाद आप रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करें। तो रोज़ वाटर आपने अकॉर्डिंगली ऐड करना है कि आपका अच्छा सा स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार है। हाँ जी, तो ये देखें जी, हमारा मास्क जो है वो ये देखें इस तरह से थिक सा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से फेस पे ये ठहर सके। तो ये हमारा फेस पैक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, आपकी स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये फेस पैक। चलें जी, अब मैं इसको इसका यूज़ आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ आपने कैसे करना है। पहले इसको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जिन लोगों की अगर तो कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो लोग तो इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको बनाया है। लेकिन अगर जिन लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राई स्किन वाले क्या करेंगे, वो इसमें रोज़ वाटर की जगह या तो रॉ मिल्क ऐड कर लेंगे, मतलब कच्चा दूध जो है वो ऐड कर लेंगे रोज़ वाटर की जगह पर। अगर मिल्क नहीं यूज़ कर सकते, मिल्क अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने रोज़ वाटर तो यूज़ कर लेना है और साथ में आपने क्या करना है, फिर आलमंड ऑयल जो होता है उसके आपने कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं ताकि आपके स्किन के ऊपर जो है वो ड्राइनेस ना हो और ड्राई स्किन वाले इस रेमेडी को इस तरह से फॉलो करें। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। अपने इसको इस तरह से अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फेस है, अपने फेस पर लेना है
ठीक है जी, मैं आपको हाथ पे बता रही हूँ। तो फेस पे लेकर इस तरह से आपने इसको मोटी सी लेयर में अपने स्किन के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर आपने इसको मोटी लेयर के साथ अपने उस पर अप्लाई कर लेना है स्किन के ऊपर। आप हैंड्स और फीट पे भी इसको कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने हल्के हाथों से, हल्के हल्के बिल्कुल बहुत लाइट हाथ से इसका मसाज करते हुए इसको आपने ठंडे पानी से वॉश कर देना। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो, स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ग्लोइंग फेस पैक। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते हैं। हमें याद रखिएगा और इस मास्क को लाजमी अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।